डाइट मंडी में इन दिनों एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से इन सर्विस अनट्रेंड शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कार्यशाला 15 दिनों तक चलेगी। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार शिक्षकों को नए नए प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कर रही है। इसी कड़ी में इन दिनों डाइट मंडी में अनट्रेंड टीचरों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला 15 दिनों तक चलेगी। इस कार्यशाला में 61 शिक्षक प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। कार्यशाला के संदर्भ में जानकारी देते हुए डाइट मंडी में कार्यरत सरिता शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य 6 शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है जो किसी कारणवश प्रशिक्षण हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काफी दिनों से डाइट मंडी में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि डाइट मंडी में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का समय समय पर आयोजन किया जाता रहता है। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इन सर्विस टीचर जिन्होंने किन्हीं कारणों से ट्रेनिंग नहीं ली थी और इन जो स्कूलों में कार्यरत थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए NIOS के द्वारा एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया जिसके द्वारा इन अनट्रेन टीचर्स को ट्रेन करने का मुहिम हमारे सामने रखा गया। तो पहले हमारे 2 बैच जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ टीचर जो है बच गए थे, जिन्होंने फार्म नहीं भरे थे या जो छूट गए थे किन्हीं कारणों से, अब हमारा वो तीसरा बैच जो है लेफ्ट आउट का यहां पर मंडी डाइट में चल रहा है। और मंडी डाइट में 61 कैंडिडेट जो है फिर से हमारे पास जो है PCP लगा रहे हैं। 15 दिन का ये प्रोग्राम है और 15 दिन के प्रोग्राम के बाद इनकी SBA लगेगी, फिर WBA लगेगी। SBA से मतलब है कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, और WBS का मतलब है कि वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज इनकी जो है बाद में चलाई जाएंगी और इनके एग्जाम जो है अप्रैल लास्ट वीक में लिए जाएंगे।